आइए कोलकाता के एक मुस्लिम भाई की वीडियो को सुनते हैं, जिन्होंने अपना ओपिनियन को शेयर किया है रामनवमी और हनुमान जयंती के जो जुलूस होते हैं उसके सिलसिले में। आइए वीडियो देखते हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुमको रामनवमी में जुलूस निकालना है और आप कह रहे हो शोभा यात्रा, शोभा यात्रा का मतलब ये नहीं होता कि आप तलवार लेके एक कम्युनिटी को खास करके मुसलमान का मस्जिद के बाहर जाके आप तलवार लहरा रहे हो और ठीक उनका इफ्तारी के वक्त जब वो अजान होगा वो सारा दिन रोज़ा रख के वो जब वो मुसलमान रोज़ा रखता है तब वो ये नहीं सोचता है किसी को मारेगा, किसी से लड़ाई करेगा, किसी से झगड़ा करेगा, वो हर बुरा काम से हर गलत काम से खुद को परहेज करता है, हर गलत काम से वो एक महीना अच्छा से अच्छा बदमाश आदमी भी एक महीना अच्छा बन जाता है, हर गलत चीज़ से दूर रखता है। वही मुसलमान को जब सारा दिन भूखा है आप उसको जाके रोज़ा में आप उसको मगरिब के वक्त इफ्तार के 10 मिनट पहले जाके मस्जिद के बाहर जाके तलवार लहराओगे, मस्जिद के सामने अजान हो रहा है उस वक्त जाके आप बोलोगे जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम, उसके बाद धमकाओगे डराओगे तो क्या मुसलमान रिएक्ट नहीं करेगा? तो मैं कहना चाहता हूँ आप ये काम कर रहे हो, आपको क्या लगता है ये सही तरीका है रामनवमी का जुलूस निकालने का? क्या ये इसको आप शोभा यात्रा बोलोगे? आज आप मस्जिद के बाहर जाके पत्थर मार रहे हो, मस्जिद के ऊपर चढ़ के झंडा भगवा झंडा लहरा रहे हो, उसके बाद तुम गाली गलौज कर रहे हो, उल्टा सीधा बात बोल रहे हो, इसको आप शोभा यात्रा बोलोगे? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल करना चाहता हूँ वो हिंदू भाइयों से, वो हिंदू बहनों से जो प्रॉपर राम को मानते, जो गीता पढ़ते, जो रामायण पढ़ते, जो वेद पढ़ते, क्या आप लोग का कोई भी ऐसा जगह में लिखा हुआ है कि ये बात बोला है कि आप रामनवमी का दिन जुलूस निकालो, जुलूस के दौरान ये बोलो कि मुसलमान के मस्जिद के बाहर जाकर तलवार लहराओ, मुसलमान के मस्जिद के बाहर जाकर तुम जय श्री राम चिल्लाओ, नमाज के वक्त क्या तुम्हारा धर्म ये बोला है? तुम ये जय श्री राम बोल के क्या तुम्हारे राम खुश होंगे? मुसलमान को तुम डरा के, मुसलमान को धमका के, तुम जय श्री राम बोल के मुसलमान को मार के क्या तुम्हारे राम खुश होंगे? यही काम अगर हम मुसलमान को हिंदू को चिढ़ाने के लिए उसको देख कर मंदिर के बाहर अल्लाह अकबर बोलेंगे क्या मेरा अल्लाह खुश होंगे, या नारे रिसालत या रसूल अल्लाह बोले क्या मेरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे? ये गलत तरीका है। लेकिन जिस तरीका से आप लोग ये रामनवमी का जुलूस निकाल लो, ये कुछ साल से ऐसा हो रहा है, हमें रामनवमी का जुलूस से कोई दिक्कत नहीं है, तुम जुलूस निकालो क्योंकि ये देश में सबको अपना धर्म मानने का, उसका जुलूस निकालने का, उसको सेलिब्रेट करने का सबका अधिकार है। लेकिन अगर आप जुलूस का आड़ में दंगा लगाओगे, जुलूस का आड़ में तुम कोई मुसलमान को मारोगे, जुलूस का आड़ में दंगा लगाने की कोशिश करोगे, मुसलमान को प्रोवोक करोगे, मस्जिद का बाहर जाकर उल्टा सीधा तुम गाली गलौज करोगे, मस्जिद में पत्थर मारोगे, मस्जिद को पल्ला झंडा लहराओगे और तुम सोचोगे मुसलमान चूड़ी पहन के मुसलमान घर में बैठा रहेगा, वो चीज़ होने वाला नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत हो गया, अब तुम जैसा बोलोगे उस तरीके से जवाब दिया जाएगा। पहले तुम अगर हमको एक तबड़ाक मारोगे, दूसरा तबड़ाक तुमको मारेंगे, फिर जाएंगे एफ आई आर करेंगे, फिर जाके जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ाई करेंगे। दिखा रहा हूँ ये क्या मुसलमान है, एक मिनट, ये मुसलमान दिख रहा है आपको? ये पत्थर मारा ये सब मुसलमान है? ये नेशनल मीडिया को किसी को दिखता नहीं है? ये मुसलमान है साहब? बोल रहे मुल्ला का दुकान को मारो, मुल्ला का दुकान को काटो, मुल्ला का दुकान को जलाओ, ये मुसलमान है? ये अंजन ओम कश्यप को नहीं दिखता है? मतलब तुम पहले मुसलमान का मस्जिद में ईंटा मारोगे, मुसलमान का घर का अंदर घुस के इफ्तार को तुम लात मार दोगे, हमारे माँ बहनों के साथ तुम छेड़खानी करोगे, उसके बाद मुसलमान जब रिटेलिएट करेगा तो तुम बोलोगे मुसलमान ईंटा मार रहा है? तो मुसलमान हिजड़ा है, मुसलमान चूड़ी पहन के है? अब तुम नापुंसक आरएसएस का नाजायज औलाद हिजड़ा का पिल्ले, तुम्हारा हैसियत नहीं है, तुम यही वाला जुलूस तुम बिना तलवार का निकालते? तुम यही वाला जुलूस इज्जत से निकालते? तुम्हारा देखते पिछोड़ा में कितना दंग है, बिना तलवार का तुम ऐसा कर लेते? एक तो झूठ में निकलते हो, तुम्हारा तो हिम्मत नहीं, ये सब हिजड़े मोनू मानेसर, कपिल गुर्जर, रामभक्त गोपाल, ये सब हिजड़े हैं, पुलिस का साथ सरकार का सपोर्ट में ये लोग जाते झूठ में जाते, एक नादान शरीफ मुसलमान को पकड़ते लिंचिंग कर देते। अगर मुसलमान उकसाने का काम करता तो आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए कि मिलादुन नबी का दिन जब ईद होता है, जब शबे बारात होता है, जब बकरीद होता है, बताइए कौन मंदिर तोड़ा है? कौन हिंदू को पकड़ के बोला बोल अल्लाह अकबर मार दिया? कौन मंदिर का बाहर जाकर जबरदस्ती नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा? एक वीडियो दिखा दिए। मुसलमान शांति का धर्म है, मुसलमान कभी दंगा लगाने का काम नहीं करता है, मुसलमान किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब मैं कहना चाहता हूँ, सीधा मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मुसलमान अब जाग जाओ, अब आगे समझदार हो तो समझ जाओ, क्योंकि तुम मेरा घर में घुस जाओगे आज हम क्या खाएंगे तुम बोलोगे? तुमने देश का क्या हाल बना के रखा है? मुसलमान को तुम आधा घंटा नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हो, तुम जहाँ चाहोगे वहाँ तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे, रेलवे स्टेशन तो तुम्हारा बाप का है, सड़क तुम्हारा बाप का है,
तुम जहां मर्जी वहां चले जा रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मुसलमान का नमाज का बीच में तुम खड़े हो जा रहे हो, नमाज पढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारा बाप का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है। मैं कहना चाहता हूं सरकार क्या कर रही है, अगर कोई बोलता है कि हिंदू मुसलमान का दंगा होगा तो उसका सबसे बड़ा रीजन होगा और दंगा कराने वाला सरकार होगा। अगर सरकार, कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, तृणमूल हो, आरजेडी हो, जेडीएसपी जो भी हो, कोई सरकार अगर बोलती है कि बीजेपी का साजिश है आपको लड़ाने का, तो मैं कहना चाहता हूं सरकारों को, सेकुलर सरकारों को, कि अगर आप चाहते दंगा ना हो तो आप अपने स्टेट का इन दल को बैन कीजिए, आप अपने इस स्टेट का इन आतंकियों को पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आप सोचेंगे कि नहीं हट, हमेशा मुसलमान मुसलमान को दबाएंगे, मुसलमान को समझाएंगे, मुसलमान को बोलेंगे नहीं नहीं मत करो मत करो मत करो, दंगा लगा रहा है, बीजेपी का प्लानिंग है, ये होने वाला नहीं है। हम समझते तुम्हारा राजनीति सेकुलर पार्टी मुसलमान को डरा के मुसलमान का वोट लेती है और बीजेपी हिंदू मुसलमान को मार के हिंदू का वोट लेती है। ये जो तुम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करो, लेकिन अगर बात हमारे हुजूर का शान में आएगी, बात अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान में आएगी, तो मुसलमान घर में बैठने वाला नहीं है। मुसलमान भी हाथों में तलवार लेके निकलेगा? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। अरे नहीं एकदम, अगर अगर आप हमको बोले उकसाने का बात, हम अगर बोल रहे कि मेरा घर में क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, तुम सवाल करो, इसके उकसाने वाला बात लग रहा है? अगर आप हमको बोलोगे कि मेरा नबी का शान में गुस्ताखी कर रहा है और हम सड़क में संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे, आप इसको लग रहा है कि उसकाने वाला बात लग रहा है? अगर सच बोलना उसकाना है, हक बोलना उसकाना है, सरकार से सवाल करना उसकाना है, तो ऐसा हजार बार उसकाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम दंगा लगा रहे हैं, अगर आपको लगता है सच बोलना दंगा लगाना है, तो ये बात बराबर करेंगे। आप पत्रकार लोग क्या हो गया, पत्रकार लोग दलाल हो गया। अंजन ओम कश्यप को ये दिख गया कि मुसलमान पत्थर चलाए, लेकिन अंजन ओम कश्यप को ये नहीं दिखा कि जब वो बजरंग दल का आतंकवादी लोग जब पत्थर ले जाके मुसलमान का मस्जिद में मार रहा है, जब मुसलमान में घर का घुस के अंदर पत्थर चला रहा है, उन लोग का इफ्तार करने नहीं दे रहा। तो क्या ये जो अभी धारा 144 हो गया है, अगर सब मुसलमान इसी तरीके से आप जैसे बोल रहे हैं जवाब देने लगे, तो फिर तो माहौल खराब हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान का। तो क्या चूड़ी पहन के घर में बैठ जाए, घर में बैठ जाए, हमको मारे, हम बोले भाई ते भी मार, या उन सेकुलर पार्टी का बात सुन के घर में बैठ जाए कि नहीं 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 मत करो बीजेपी दंगा लगा रहा। अरे भाई हम कुछ कर रहे, मुसलमान कोई मंदिर का बाहर जाके नारा लगाया, मुसलमान का हिंदू को चिढ़ाया, मुसलमान को हिंदू को गाली दिया, मुसलमान को राम को गाली दिया, मुसलमान को भगवान को गाली दिया। तुम हमारे अल्लाह के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, तुम आए दिन हमारे नबी का शान में उल्टा सीधा बोलते हो, जब मर्जी तब तुम मुसलमान को गाली दे रहे हो, मुसलमान को नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हो, हमारे बहन को तुम नकाब पहनने बुरका पहनने नहीं दोगे। मैं तो सलाम करता हूँ मुस्कान को, जब वो 10-20 हिजड़े जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, हमारी बहन मुस्कान नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोली थी। मैं हर मुसलमान को चाहता हूं कि तुम सेकुलर पार्टी का बात सुनोगे तो यही हाल होगा, तुमको बोलेगा कि हिंदू मुसलमान मिलजुल के रहो। हम लोग बेशक मिलजुल कर रहना चाहते, लेकिन जो बाबुल सुप्रियो दंगा लगाया, जो इमाम साहब का बेटा मर गया, वो बाबुल सुप्रियो को वहां से टिकट मिला जहां पे 60-70% मुसलमान है, जब वहां रहेंगे तो वो बोलेंगे कि हिंदू मुसलमान का दंगा कराएंगे, यहां रहेंगे तो सेकुलर बन जाएंगे। आप बोलते बंगाल में दंगा नहीं हुआ, बंगाल में धूलागढ़ में दंगा नहीं हुआ, बंगाल में बैरकपुर में नहीं हुआ, कांकीनारा में नहीं हुआ, भटपारा में नहीं हुआ, आज वो अर्जुन सिंह कहाँ है, आज वो अर्जुन सिंह तृणमूल में बैठा है। तो देखिए कुछ लोग होते कि मुसलमान का टोपी पहन के मुसलमान को बेवकूफ बनाते, और कुछ लोग होते इफ्तार करके इफ्तार देके पार्टी बनाते। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि भाई जब तुम मुसलमान हो, तुम रमजान में क्या करते हो, तुम रमजान में हर गुनाह हर गलत काम से तुम बचते हो, तुम हर गलत काम झूठ नहीं बोलते हो, धोखाबाजी नहीं करते हो, गद्दारी नहीं करते हो, हराम का पैसा नहीं खाते हो, हर हराम चीज से तुम बचते हो। मैं कहना चाहता हूं अगर तुम्हारा जमीर है, तुम सारा दिन रोजा रख के तुम अगर यहाँ जो इफ्तार पार्टी देती है हराम का पैसा का, पेशाब करके पानी नहीं लेता है, उसका बगल में बैठ के हराम का पैसा का तुम रोजा खोलोगे? अगर तुम्हारा जमीर है, तुम मुसलमान हो, तो ऐसा पार्टी का दिया हुआ इफ्तार तुम नहीं करोगे, हराम का पैसा का तुम इफ्तार नहीं करोगे, इल्लीगल बिल्डिंग करने का पैसा का तुम इफ्तार नहीं करोगे। तुम रोजा रख रहे हो, 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे हो, तरावी पढ़ रहे हो, कुरान शरीफ पढ़ रहे हो, और जाके हराम का पैसा का खजूर से इफ्तारी खोलोगे? अगर तुम्हारा जमीर है, सच्चा मुसलमान हो, तुम आशिक रसूल हो, तो जिंदगी में ऐसा तुम इफ्तार में नहीं जाओगे। मुसलमानों का भी गलती है कुछ, बेशक मुसलमानों का गलती है, मुसलमान बन गया हरामखोर, हराम खाते खाते ऐसा हो गया कि उनको अब अपना फ़र्क नहीं आता, हलाल और हराम का फ़र्क नहीं आता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही मुसलमान में सेकुलर पार्टी का जाल में फंसे हुए। अरे तुम राजनीति करो यार, तुमको हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम किसको पार्टी दे रहे हो नहीं करो, लेकिन तुम सोचोगे हमेशा अभी देखिए राजनीति का बात करेंगे तो आप लोग बोलेंगे आप तो पॉलिटिशियन का तरह बात कर रहे हैं। अभी मैं डेटा में आ जाएंगे कि बंगाल में कितना सीट मुसलमान को मिला, कितना कैबिनेट में मुसलमान है, कितना सरकारी दफ्तर में मुसलमान है, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव में मुसलमान है, तो आप बोलोगे राजनीति की बात करें, तो भाई वहाँ बात मत जाओ कौन क्या दे रहा नहीं दे रहा। 70 साल से हम लोगों को बेवकूफ़ बना कर रहा है, कोई टोपी पहन के हमारा महफिल में बेवकूफ़ बना रहा है, कोई इफ्तार पार्टी देकर बेवकूफ़ बना रहा है, तो मुसलमान को वक्त
जागता गया मुसलमान, जागने का, समझने का। हो सकता है कि वीडियो में जो मुस्लिम भाई अपने ओपिनियन को जाहिर कर रहे हैं उनकी तमाम ओपिनियन से, ख्यालात से हम लोग मुत्तफिक ना हो, लेकिन ये भी बात अपनी जगह सही है कि समाज और मुल्क में नफ़रत की जरें गहरी होती जा रही है। ज़रूर इसके पीछे कुछ मफाद परस्त अनासिर है जो इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और उनका मेन मकसद हुकूमत पर कब्ज़ा करना, चाहे उसके लिए किसी ख़ास कम्युनिटी के लाशों से क्यों ना उनको गुजरना पड़े, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दरअसल मुल्क और कौम के दुश्मन हैं और इनको हिंदुस्तान की सालमियत और इसकी गंगा जमुनी तहजीब से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अमन पसंद हिंदुस्तान के आवाम को चाहिए कि इनकी मुखालिफत करें और आपस में भाईचारा बनाए रखें। धन्यवाद।